करनाल पुलिस त्योहारों को लेकर चौकस नजर आ रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए नाकों और गश्त की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पुलिस हर संदिग्ध व्यक्ति पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक व्यक्ति को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध हथियार और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी की शिनाख्त अनुज निवासी सदर बाजार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक गौशाला चौक के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा है, जिसके पास अवैध हथियार है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए एक टीम का गठन किया और आरोपी को गौशाला चौक से धर दबोचा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी लड़ाई झगड़े के चार व हत्या के प्रयास का एक मामला जिला करनाल में रजिस्टर है, जिसमें आरोपी जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था। आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।